चीज होने वाला था, तब तक मेरे को मना कर दिया गया कि ब्लॉग नहीं बनाना है। के आए थे और अभी उनको वैसे ही विदाई दी जा रही है, जैसे माता को लेके आए थे वैसे उनको विदाई भी दी जाती है। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। तो फिलहाल आज एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। अभी मैं ना ताई के गौशाला में आया था, तो ताई का फ़ोन घर छूट गया था, तो उसको ताई ने बोला मेरा फ़ोन लेके आ जा, तो ताई को फ़ोन देने आया था। और आप मतलब कल ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे होंगे और ब्लॉग आया नहीं, तो इसका कुछ ख़तरनाक रीज़न था। रीज़न मतलब ऐसा था कि मैंने ब्लॉग बना लिया था, उसको आपको दिखाएंगे ज़रूर, आपके मतलब आपको निराश नहीं करेंगे। मैंने ब्लॉग बना लिया था और पूरा ब्लॉग लगभग बन ही गया था, और जैसे ही वहाँ पे जो मेन चीज़ के लिए ब्लॉग बनाया था ना वो चीज़ होने वाला था, तब तक मेरे को मना कर दिया गया कि ब्लॉग नहीं बनाना है। तो इसका रीज़न ऐसा था कि जो देवी का पूजन पाठ हो रहा था वहाँ पे, और वहाँ पे अचानक एकदम देवता के अवतरित हो गए और मैंने कैमरा खोल दिया। अब होता है ना कि एक्साइटमेंट होती है कि यार नई नई चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही देवता अवतरित हो मैंने फट से कैमरा ऐसे ऑन कर दिया और देवता ने इतने बड़ी बड़ी आंखें कर दी मेरे लिए। भाई मेरी तो हालत ख़राब, मेरी टाइट टाइट फिस हो गई मेरे भाई पे। मैंने बोला कैमरा छोड़ो भाई, निकलो यहाँ से, चप्पल चुप्पल पकड़ो, निकलो यहाँ से। मतलब मैंने कैमरा ऐसे पकड़ा और ऐसे दिखाने वाला, तब तक उन्होंने मना कर दिया कि यार। फिर मैंने सोचा कुछ चीज़ अगर प्राइवेट रखनी है तो प्राइवेट, चलो मान ही लेते हैं उनकी। फिर मैंने ब्लॉग शूट मतलब करा हुआ था, और जो मेन चीज़ अगर छूट गई तो फिर तो ब्लॉग का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो उस दिन को देख लीजिए, कल पहले हम कल के दिन से स्टार्ट करते हैं कि कल हमने क्या क्या काम किए थे, फिर हम आज के दिन पे वापस आएंगे। तो चलो लिए चलते हैं आपको कल के दिन में। रोमन रोमन गुड मॉर्निंग, दिव्यांशु बुला गुड मॉर्निंग। और आज देखो रोमन ने कितना सारी जिम्मेदारी है ना दिव्यांशु बुला के साथ पूरी कर ली। देखो जैसे मैं आया यहाँ पे आलू बॉयल हो गए, चने बॉयल हो गए, टमाटर प्याज कट गया है, तो थैंक यू बुला। तो आज ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम मास्टर शेफ हैं, सारी चीज़ें कटिंग मिलेंगी और हमें बस उसको तड़का मारना है। तो अभी रोमन ने सारा काम कर दिया, इसके बाद अपनी जिम्मेदारी आएगी। है रोमन, अभी मैंने एक गौशाला पर बैठा हूँ और इसका एंट्री गेट देखो कितना छोटा है। ये मेरे जो पीछे ये दरवाज़ा है ना, तो ये जाने का रास्ता है। तो इसका रीज़न भी बताता हूँ क्यों ये छोटे होते थे और ये कितना छोटा है, इसकी हाइट देख लो एक बार। अब ये देखो ये दरवाज़ा ना कितना छोटा है, यहाँ से लेके और यहाँ पे तक। तो ये हमारे पुराने जो घर होते थे, अभी तो लोगों ने मॉडिफाई कर दिए, तो ऐसे ही छोटे छोटे दरवाजे रहते थे और इन्हीं से सब काम होते थे। अब ऐसे छोटे दरवाजे क्यों रहते थे, इसका भी कुछ रीज़न था, तो आपको बताते हैं कि क्यों ऐसे छोटे दरवाजे पहाड़ों में बनाए जाते थे। तो ऐसे छोटे छोटे दरवाजे बनाने का रीज़न ऐसा था कि पहाड़ों में कभी ना बहुत ठंड होती थी, बर्फ़ आदमी की कमर से ऊपर तक यहाँ घरों पर पहुँच जाती थी, तो लोग छोटे दरवाजे बनाने का प्रेफर करते थे ताकि बर्फ अंदर ना जाए और आदमियों को ठंड ना हो। तो गौशाला का भी ऐसे ही बनाए जाते थे नॉर्मली, और घरों के तो नॉर्मली ऐसे ही बनाए जाते थे ताकि गाय भैंसों को भी ठंड ना हो और अगर जो आदमी रह रहा है घर पे तो उसको भी ठंड ना हो। तो जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता गया, आगे टाइम बढ़ता गया, तो उसके बाद ठंड थोड़ा कम होने लगी और अब तो बहुत ही कम होने लगी। पहाड़ों पर नहीं पड़ रही बर्फ तो यहाँ क्या पड़ेगी बर्फ। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो इसीलिए अब लोगों ने काफ़ी मॉडिफाई कर दिया अपने घरों को। तो ये रीज़न है कि छोटे छोटे दरवाजे बनाए जाते थे पहाड़ों पे। तो आपके यहाँ गौशालाएँ कैसी होती थी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और पहाड़ों का रीज़न क्या आपको पता था ये भी हमें ज़रूर बताएं। तो फिलहाल अपना काम कर लेते हैं, अभी हमें पूरियाँ बनानी है खाने। तो यहाँ हमें ताऊ जी ने दे रखी है ड्यूटी पूरियाँ बनाने की, तो देखते हैं आज पहली बार बना रहा हूँ, तो देखते हैं कैसी बनती हैं और कब तक ये हम पूरियों का काम ख़त्म कर पाते हैं। आज पूरियाँ ऐसी बन रही हैं कि पता नहीं कौन देगा हमें गाली कि किसने बनाई ये काची काची पूरियाँ, क्योंकि हमें कोई आइडिया है नहीं और पहली बार ही बना रहे हैं, तो देखते हैं कैसी बनती हैं।
तो यार अभी पूरियां वगैरह तो बना लिया, नाश्ता तो लगभग रेडी हो गया है और अभी वहाँ पे पूजा आरती हो रही है और पाठ का मतलब थोड़ा सा आज क्योंकि ख़त्म है ना, तो आज सुबह से ही वहाँ पे बैठ जाते हैं, तो फिर नाश्ता करेंगे फिर बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ प्रोसेस रहेगा वहाँ पे। और मैं अभी थोड़ा घर आ गया हूँ क्योंकि ना अभी थोड़ा कुछ गेस्ट आने वाले हैं तो उनको रिसीव करना है। तो एक ऐसा कपल है ना, मतलब आप उनके बारे में सुनोगे तो आपको दिल से फीलिंग आएगी कि इतनी भी आस्थाएं होती हैं क्या, महाराष्ट्र से जो पैदल पूरी अपनी यात्रा कर रहे हैं। तो आपको अगले ब्लॉग में उनको दिखाऊंगा मैं, तो वो आज हमारे पास आ रहे हैं और हम इतने कितने लकी हैं कि इतनी दूर से ऐसे ऐसे लोग हमारे पास जुड़ते हैं और हमें गौरवान्वित होता है फील कि हम ऐसी जगह पर रहते हैं और ऐसे ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं। तो उनके बारे में आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, फ़िलहाल उनको रिसीव कर लेते हैं और मिलेंगे भी मतलब पूरी तरीके से उनको अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तो फ़िलहाल अभी कुछ और काम है तो उनको निपटाते हैं और उनको दिखाते हैं कि अभी क्या क्या काम बाकी है और कैसे कैसे पूजा आरती ख़त्म होगी। तो ये देखो, ये पहुँच गए जिनकी मैं बात कर रहा था, महाराष्ट्र वाले लोग ना, वो हमारे पास अभी पहुँच गए हैं और वो हमारे लिए ना खूबसूरत सी मिठाई लेके आया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैंने उनको बोला इसकी क्या ज़रूरत थी, बोलते हैं कि हम जब किसी घर में जाते हैं तो अपना मान के जाते हैं और ऐसे कुछ लेके जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, तो क्या बात है यार यही तो इसीलिए ये काम करने में थोड़ा मज़ा भी आता है यार, जब ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं ना, इतने खूबसूरत लोग मिलते हैं और आप मिलोगे ना, आप उनकी जब उनकी यात्रा के बारे में पता करोगे ना, कैसे वो लोग चले हैं, कितना टाइम उनको लगा है, कैसे कैसे कठिनाई आ रहे हैं, तो सेलेक्ट करोगे और आपको गर्व होगा कि हमारे अगर आप लोग महाराष्ट्र से हो तो आपको गर्व होगा कि यार हमारे बीच से भी ऐसे ऐसे लोग हैं, इतनी इतनी यात्रा कर रहे हैं। तो उनसे मिलाएंगे आपको कल अगले ब्लॉग में, फिलहाल अभी उनको थोड़ा पानी वगैरह पिलाते हैं और फिर निकलता हूँ मैं ऊपर पूजा में। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा कि देवी माँ को कैसे लेके आए थे और अभी उनको वैसे ही विदाई दी जा रही है, जैसे माता को लेके आए थे वैसे ही उनको विदाई भी दी जाती है। अब यही प्रोसेस होता है इनका, मतलब अब आगे से अब ऐसा होगा ना, अब यहाँ पे भी उनका देवी का स्थान बन गया, अब आगे से उनको सारे मतलब गाँव से लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी उनका वहाँ पर स्थापना नहीं हुई थी, अभी उनका घर भी नया नया था और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर पूजा पाठ करवाया, सब करवा दिया, तो अभी उनके देवी माँ की स्थापना भी यहाँ पर होगी। तो अब तो यहीं पर अब आगे से देवी माँ की पूजा करेंगे। तो यार अभी धूप उस साइड को चली गई है और आज मौसम अभी तक तो ठीक है, रात का मुझे नहीं पता कैसा रहेगा। और फिलहाल मैं अपने लिए चाय बना लेता हूँ, मम्मी ने बोला थोड़ा चाय बना ले। और तो कुछ ऐसा था हमारा पिछला दिन और अगर मैं उस चीज़ को वहाँ पर शूट करता ना, वो कुछ अल्टीमेट चीज़ होती है, अलग ही लेवल पे होती है, जो मतलब मेरे को वहाँ पर डर लगा ना, मतलब जिसके रीज़न से मैंने वो वीडियो नहीं बनाया था, वो ख़तरनाक था, तो मैं सोचा अब नहीं बनाते तो क्यों ही किसी चीज़ को दिखाएं। अगर कोई चीज़ हमसे सामने से कहती है कि हमें नहीं आना है कैमरे पे तो चलो ठीक है, मान लिया कि मैंने मतलब बहुत सारे भगवानों को देखा है कि मतलब जब भी कोई अवतरित होता है तो वीडियो बन जाती है, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन वहाँ पे ऐसा ही हो गया था, नहीं मना किया तो मैंने बोला चलो नहीं करते हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आई होप आपने ब्लॉग को इन्जॉय करा होगा और अब नेक्स्ट टाइम ब्लॉग में आपको उन लोगों से मिलाएंगे जो वृंदावन से और यहाँ तक पैदल यात्रा कर रहे हैं और आगे कैसी उनकी जर्नी रहेगी, कैसे तो कैसे उनके आगे के प्लान रहेंगे उसके बारे में आपसे बातें करेंगे और उनकी खूबसूरत जर्नी के बारे में बात करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे नए लोगों में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।